हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा एग्जाम KVPWAI किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में पूछा गया था और ये 2018 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो पहले मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिख के रखा है, इसे समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए इसमें क्या था, एक क्यूबॉइड दे रखा था जो कि यहाँ कोऑर्डिनेट आप 0 0 देख रहे हैं, तो ऐसा क्यूबॉइड जो कि एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए तक है, ये साइड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू b तक है और ये z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू c तक है और इस तरह से है। जैसा देख रहे हैं b इज ज्यादा बड़ा है, b इज ग्रेटर देन a एंड a इज ग्रेटर देन c। ये एक डायरेक्ट्रिक्स स्लैब है यानी ऑप्टिकल मीडियम है बेसिकली, इसमें लाइट पास हो सकती है। मैंने इसको ब्रेक करके समझा देता हूँ आपको, बाकी मैंने फुल टेक्स्ट वैसे नहीं लिखा है। तो और इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लीजिए इसका n है, तो क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए n रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला एक डायरेक्ट्रिक्स स्लैब जिसकी की डायमेंशन इस तरह से दी हुई है, दे रखी है, तो हमको क्या निकालना था, जो मेन चीज थी वो ये थी, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू सच दैट ऑल रेज एंटरिंग द डायरेक्ट्रिक एट y इक्वल टू 0 रीच y इक्वल टू a। तो ये कंडीशन ये है कि ये रेज यहां पहुंचनी चाहिए यानी एंटरिंग जो लोकेशन होगी वो इस प्लेन पे होगी। देखिए y इक्वल टू 0 का प्लेन कौन सा होगा, ये बेस प्लेन यानी नीचे वाला प्लेन, ये पूरा जो दिख रहा है वो y इक्वल टू 0 का प्लेन है और यहां से एंटर करके वो जो भी रेज जाती है वो y इक्वल टू b पे जरूर निकलनी चाहिए, ये क्वेश्चन में बात आई है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहां थोड़ा बोर्ड यूज करूंगा और देखिए प्लेन में बता चुका हूं आपको, प्लेन नीचे वाला होगा यानी बेस से एंटर करेगी लाइट जो है। इसको मैं 2D प्रोजेक्शन समझ लूंगा क्योंकि प्लेन आप समझ पा रहे हैं, प्लेन इस वाले से एंटर करना है, मैं इसको 2D में थोड़ा दिखाता हूं। ये पूरा प्लेन यूज हो सकता है लेकिन जस्ट मैं इसको इस प्रोजेक्शन से देखते हैं। तो लाइट इंसिडेंट होने के 2 मेथड हो सकते हैं। देखिए जो रेज ऐसे जाएंगी जो रेज नॉर्मल इंसिडेंस इसको बोलूंगा कि इसमें नॉर्मल एंटर करनी है, तो ये कहलाएगा आपका नॉर्मल इंसिडेंस यानी इस प्लेन पे जो है नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, तो लाइट नॉर्मली आ रही है उसके ऊपर इस प्लेन के ऊपर। तो नॉर्मल इंसिडेंस में आपको बोलूंगा विदाउट डेविएशन लाइट चली जाएगी, ये ऑप्टिकल मीडिया है, डायरेक्ट का मतलब कोई ट्रांसपेरेंट मीडिया हो सकता है। तो जहां भी मान लीजिए आपका ये नॉर्मल यहां पर होता है, इस प्लेन का नॉर्मल है तो इसके अलाउंग चली जाती है, तो दीज रेज विल गो विदाउट एनी डेविएशन एंड विल पास थ्रू दिस प्लेन। तो यहां तो पूरी गारंटी है कि वो इस प्लेन से जाएंगी, ये पूरा कंफर्मेशन हो जाता है, नॉर्मल इंसिडेंस में कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये आप समझ सकते हैं इस प्लेन पूरा बेस प्लेन भी यूज करें, ऐसे लाइट जाकर के यहां से ली जाएगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब केस टू समझने की कोशिश करते हैं। केस टू में इसको भी बना लेता हूँ, यहां बना लेता हूँ, थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट होगा, तो चलिए मैं इसको फिर अब रवि करता हूँ। सो इन सेकेंड केस यानी फॉर एनी ऑब्लिक इंसिडेंस, कोई भी एंगल बना करके लाइट एंटर अगर हो रही है तब क्या होगा, या फिर क्या कंडीशन होनी चाहिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए जिससे कि लाइट जो y इक्वल टू 0 से एंटर कर रही है उस प्लेन से वो y इक्वल टू b पे जरूर निकले। तो यहां मैं इसके लिए क्या करूंगा, ऐसा एक नॉर्मल यहां ले लेता हूं। अब इसको ऑब्लिक इंसिडेंस कराता हूं, मान लीजिए लाइट ऐसे एंटर की तो बाहर तो यार है और ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n वाला कोई मटेरियल है। देखिए इस पे क्या होगा, आपको मालूम है डेंसर होगा थोड़ा सा, तो इधर डेविएट होगी प्लेन की तरफ, तो ऐसे थोड़ा सा ये और बड़ा एंगल लेता हूँ, नॉर्मल से ऐसे एंटर कर रहा हूँ, इस एंगल को मैं थीटा मानता हूँ, तो देखिए थोड़ा डेविएट होके जाएगा, तो इसी को मान लेता हूँ,
यानी वो प्लेन की तरफ टिल्ट हो गई, सॉरी नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो गई। और ये वाला प्लेन कौन सा है, एक्स इक्वल टू ए पे स्ट्राइक करती है, तो एक्स इक्वल टू ए पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखिए क्योंकि उसको यहीं से निकलना है तो इस प्लेन से बाहर नहीं आ जानी चाहिए, अगर यहाँ से बाहर चली गई तो आपको वाई इक्वल टू इतना नहीं पहुंच पाएगी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये बहुत क्लियरली पता चल जाता है। इसका मीनिंग है लाइट यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ से वापस इधर जानी चाहिए, इसका मीनिंग है यहाँ पर जो फिनोमिना होगा वो टी आई आर का होना चाहिए, यही लगभग यही एंगल बना करके आप दिखा सकते हैं ये चला जाएगा, तो यहाँ टी आई आर का फिनोमिना होना चाहिए, टी आई आर एट एक्स इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू ए, तो दिस मस्ट बी द कंडीशन। अब यहाँ से देखिए, अब मैं इसको दो बार स्नेल लॉ यूज करना होगा, ये थीटा से इंसिडेंस हो रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, ये मैं एंगल से इट इज मैं आर मान लेता हूँ, आई और आर ही मान सकते हैं, थीटा बोल दिया तो थीटा से, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा, ये आर हो गया, तो दिस एंगल इज 90 माइनस आर एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 माइनस आर, तो ये आपको क्लियरली विजुलाइज हो रहा होगा, और यहाँ भी होगा 90 माइनस आर, तो यहाँ की आईआर हो गई, तो यहाँ से लाइट चली जाएगी आगे, तो इसकी कंडीशन अपन अचीव करते हैं, दो बार स्नेल लॉ लगाते हैं, तो लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एक्ट इस पे लगा देता हूँ पहले, यहाँ स्नेल लॉ लगाने का मीनिंग है स्नेल लॉ को मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में करता हूँ, क्योंकि डिवाइड में कई बार वो रेशियो लेने में दिक्कत आती है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1, तो 1 और n के बीच में लगा दूंगा, तो देखिए टीआर की कंडीशन क्या होती है कि जो रेज यहाँ जाए वो बाद में इसके अलॉन्ग चली जाए, यानी उसमें क्या होना चाहिए आर इक्वल टू 90 हो जाता है, ठीक है, यानी बाकी तो वापस आई रही है लेकिन उसकी लिमिटिंग कंडीशन जो है वो लगाऊंगा, तो इस सर्फेस पर अगर लगा रहा हूँ तो लाइट इसमें एंटर कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर हो रहा है 90 माइनस आर से आई है, 90 माइनस आर से आई है, और टीआईआर टू टेक प्लेस, हालांकि ये एंगल थोड़ा बड़ा हो तो ठीक है, तो टीआईआर टू टेक प्लेस का मतलब है कि यहाँ इस पे इसके अलोंग चली जाती है, तो आप देखते हैं कि ये जो नॉर्मल था और वो नॉर्मल के साथ एंगल कितना आता है 90, ये आप समझ पा रहे होंगे, तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा, और उससे किसी भी बियॉन्ड एंगल उससे बड़े एंगल पर वो अंदर ही चली जाएगी, तो यहाँ से लगा लेते हैं, तो इस रेस को इस रेड वाली जो रेंज दिखाई है इसके अकॉर्डिंग इस स्नेल लॉ लगा रहा हूँ तेरे से ना, जो कंडीशन होती है टीआर की इनइक्वालिटी वाली नहीं इक्वलिटी वाली जिसमें कि इक्वल होता है, अदरवाइज हम ग्रेटर देन तो लेंगे, ये थोड़ा ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ कहूंगा मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, देखिए एयर तो ये मीडियम आ रहा है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अंदर से ये इंसिडेंट वाली बात कर रहा हूँ यहाँ, तो इस रेस के लिए एन वाले मीडियम में जल्दी गया है और साइन ऑफ दिस एंगल साइन 90 माइनस आर, और आपका क्या करना होगा यहाँ लिखना होगा एयर में गया है तो 1 हो जाएगा और हो जाएगा आपका साइन 90, ऐसा करके आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या बात समझ में आती है, ये आ जाता है ये हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब इसको कॉस आर बोलेंगे, कॉस आर इक्वल टू ये 1 हो जाएगा 90 का होता है, तो कॉस आर इक्वल टू मुझे यहाँ से मिल रहा है कॉस आर इक्वल टू 1 बाई एन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, एक बार स्नेल लॉ यहाँ भी लगा लेंगे इस सरफेस पे, तो एक बार लिखूंगा यूजिंग स्नेल लॉ ऑन यूजिंग स्नेल लॉ एट, ये तो यहाँ लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू 0 वाले प्लेन पे लिया एंड यूजिंग स्नेल लॉ दोबारा लिखेंगे, लैंग्वेज रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यूजिंग स्नेल लॉ एट वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 का प्लेन आपको समझ में आ रहा होगा, ये नीचे वाला प्लेन है, ठीक है, तो हमने एक सरफेस कहीं भी लेकर कैसे नॉर्मल लिया है, तो इस प्लेन में जो एंटर यहां से कर रहा है इसको स्नेल लॉ यूज कर देता हूं, देन इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है और बाहर से आ रही है, तो उसी में मल्टीप्लाई के फॉर्म में यूज कर रहा हूं, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और देखिए आगे यहां क्या आएगा, इसमें एंटर किए हैं तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज एन, क्योंकि इन साइड मटीरियल आप चले गए तो एन बोल दीजिए, बहुत क्लैरिटी से पता चलना चाहिए, और साइन आएगा साइन आर,
तो यहाँ से क्या बात निकल के आ रही है, यहाँ से निकल के आ रही है साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन, इसको मैं 1/n के फॉर्म में ले जाता हूँ, जैसे ये लिख लिया हूँ तो 1/n में आ जाएगा साइन आर अपॉन, वैसे तो साइन थीटा अपॉन साइन आर एन आ जाएगा, आपको दिख रहा है साइन थीटा अपॉन साइन आर एन, तो मैं इसको उस पैटर्न पे ले रहा हूँ, साइन आर अपॉन साइन थीटा के हिसाब से मैं 1/n बना ले रहा हूँ, जिससे मैं इनको कंपेयर कर पाऊंगा। तो अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, ये हो गया ठीक है, तो 1 एंड 2 से क्या मिला मेरे को, अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे मालूम पड़ रहा है साइन आर अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू ये कॉस आर आ रहा है, ये इसको मैं कॉस आर लिख लेता हूँ ठीक है। अब देखिए अब बात आती है जो इंसिडेंस की बात की थी, नॉर्मल इंसिडेंस पे चले गए थे, अब केस टू में क्या होगा, ये थीटा कितना जा सकता है, अब वो कह रहा है कि हमेशा रेज यहाँ से निकलनी चाहिए, यहाँ से निकलनी चाहिए, तो थीटा तो आप बढ़ा सकते हैं और भी, तो थीटा को बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट आती है और आप इसको 90 तक ले जा सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस, अगर आप मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ थीटा को तो थीटा कैन गो अप टू दिस वैल्यू, थीटा हैज मैक्स वैल्यू तो ये 90 हो जाएगा, ये इक्वेशन तो आई रही है इसमें कि थीटा कुछ भी वेरिएबल है, लेकिन फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा या थीटा एज मैक्स वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ग्रेजिंग इंसिडेंस के साथ मैं इसको सॉल्व कर दूं कि यहां से एंटर कर गया फिर भी ये निकलना ही चाहिए यहां से, तो यहां पे 90 आ जाएगा, 90 आएगा तो इट इंप्लाइज दैट साइन आर, ये नीचे क्यों बना गया इसके यहां पे, और ये आएगा कॉस, साइन आर इक्वल्स टू कॉस आर, ऐसा किस एंगल पर हो सकता है, तो साइन आर इक्वल टू कॉस आर जो वैल्यू आती है भी आप सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकली, ये वैल्यू इक्वल होती है हमारी 5/4 पे होती है आपको पता है, तो इसका मीनिंग है कितना होना चाहिए 5/4, इट डिपेंड इट मींस आर मस्ट बी 5/4, आर हमारा 5/4 निकल के आया, लेकिन हमें निकालना था एन ठीक है, तो एन निकालना है तो एन किसी भी इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए तो r = π / 4 आ चुका है, r = π / 4 आ चुका है, तो यहां पे वैल्यू पुट करके इधर रख लेता हूं मैं, यहां से आप इस इक्वेशन से कहीं ले जाइए, तो cos π / 4 लिख लीजिए, cos π / 4 इज हाउ मच, इट इज 1/√2, तो cos π / 4 में 1/√2 है, इट मींस n आपको समझ में आ रहा है कि n इज √2, यहां से निकल जाता है, तो इट इंप्लाइज दैट n इज √2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो √2 आ रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू ये होनी चाहिए क्लियर होने के लिए, तभी ऐसा होगा, तो यदि इतनी वैल्यू होगी तो कोई भी रेज एंटर करेगी यहाँ से वो इस वाई से इस वाले प्लेन से पास करेगी करेगी, बॉटम से एंटर करेगी और टॉप से यहाँ की रूफ से कैसे निकल जाएगी, तो ये एक क्वेश्चन है, इसी तरह से हमने से शुरू करूंगा मैं, और KVPI की एक अच्छा एग्जाम है और प्योर साइंसेज में ये अच्छा आपको मालूम है कॉलेजेस में एडमिशन होता है आईसर में, तो इस सीरीज को हम सॉल्व करते जाएंगे लगातार, तो आईसर की तैयारी होगी और भी एग्जाम होते हैं जैसे नेस्ट या नाइजर के भी एग्जाम होने वाले हैं, तो लगभग सिमिलर टाइप के क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं, तो आप चैनल को कंटिन्यूस देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, तो औरों को भी बेनिफिट होगा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।